बहू और बारिश का पानी, सुहाना मौसम और ठंडी हवा, कौन एंजॉय करना नहीं चाहेगा? लेकिन क्या करे वो बहू बेचारी जिसकी सास की नजर सारा दिन उस पर रहती है। बहू, बारिश का माहौल बन रहा है, जाकर छत से कपड़े उतार ले, नहीं तो गीले हो जाएंगे। और खिड़की दरवाजे बंद कर दे, नहीं तो धूल घर के अंदर आ जाएगी। और हाँ बहू सुन। हाँ हाँ, इनका बस चले तो पूरा घर कपड़े से ढकवा दे कि कहीं एक छोटी सी बूंद भी घर के अंदर ना जाए। अरे हद है, किसी को पानी से इतनी नफरत भी होती है क्या? अजी माँ जी, सुन लिया, जा रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जा, पता नहीं ये बारिश का मौसम किसने बनाया है, सारी जगह कीचड़ कीचड़, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकल आए वो अलग से। माँ जी, लेकिन बारिश का तो अपना ही मजा है, भीगने में कितना मजा आता है, और फिर ठंडी ठंडी हवा। अरे बस कर, इस घर में बारिश वारिश की बात ना करना। हाँ बहू बेचारी, जो बचपन से बारिश की दीवानी थी, बारिश के पानी में भीगती और गाने गाया करती थी, बस अब दूर से ही बारिश को देखा करती है। अरे समीर, ये कहाँ से कीचड़ वाले पैर लेकर घर के अंदर चला आ रहा है? हाय रे, क्या हालत कर दी चमकते दमकते घर की। हाय रे, ऊपर से भीगा है, अरे पूरे घर में टपक रहा है पानी। बेटा छींक देता है कि बहू तौलिया लेकर आ जाती है। अरे आप तो भीग गए हैं, ये लीजिए, पूछ लीजिए खुद को, कपड़े बदल लीजिए, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आ रही हूँ। अरे बस भी कर, घर गीला और गंदा करके रखा है, अरे ऐसे सेवा क्यों कर रही हो जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। माँ, बुखार भी तो हो सकता है ना माँ, पानी में भीगने से, इसलिए वो बोल रही है। अरे हाँ हाँ, जो है वो है, तुम पहले घर साफ करो बहू, और फिर बाद में कुछ सोचना। बहू बेचारी पहले पूरा घर साफ करती है, फिर पति के पास चाय लेकर जाती है। अच्छी यार, आज तो काफी भीग गया हूँ, लेकिन ठीक है, अच्छी चाय पीकर ठीक हो जाऊंगा। हाँ वो घर साफ करने में लग गई ना, इसलिए देर हो गई, वैसे आपको बहुत मजा आया होगा ना। पति बीवी की आंख में चमक देखकर कहता है। मजा? अरे बहुत मजा आया, बारिश के बूंद मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, मैंने तो जानबूझकर बाइक स्लो कर ली, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताओ। अरे तुम भी छत पर भीग आती ना। ये हमारे भाग्य में कहा, यहाँ तो बादल बने नहीं कि तुम्हारी माँ घबरा जाती है कि कहीं काले बादल घर के अंदर ही ना आ जाए। प्लीज कुछ करो ना, मुझे भी भीगना है बारिश में। अच्छा चलो कोई प्लान बनाता हूँ मैं। दोनों मियाँ बीवी हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बादल फिर उमड़ते हैं, घटाएं फिर छाती है, और शुरू हो जाती है बूंदा बांदी। बहू का मन मचल जाता है कि आज तो वो बारिश में नहा कर रहेगी। क्या बहू, क्या है, क्यों खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है बारिश के मेंढक की तरह? हाय रे माँ जी, बारिश का शब्द भी आप ऐसे बोलती हैं जैसे तूफान। अरे देखिए ना कितना प्यारा मौसम हुआ है बाहर, मैं जाऊं क्या बाहर नहाने? अरे चुप कर, मौसम अच्छा हुआ है वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मन नहाने का करे ये ठीक नहीं है बहू। जा मौसम के हिसाब से पकोड़े और गर्मा गर्म चाय लेकर आ जा, खिड़की हल्की सी खोल दे, देख देख कर बाहर चाय पकोड़े खाते हैं अंदर। बहू को बहुत गुस्सा आता है, वो कमरे में चली जाती है और सास चाय और पकोड़े का इंतजार करती रहती है। अरे क्या हो गया वर्षा बहू, कहाँ रह गई? अरे बारिश अब शायद खत्म ही हो जाए, लेकिन तेरे पकोड़े नहीं बने। माँ जी देखिए, अगर सावन के मजे लेने ही हैं, बारिश का सुख उठाना ही है, तो अच्छे से लेना, क्यों दूर बैठे आप पकोड़े भी खाए? मेरे भीगने का मन हो तो बारिश खराब, आपके चाय पकोड़े का मन हो तो बारिश अच्छी। वाह माँ जी वाह, मैं नहीं बना रही कोई पकोड़े शकोड़े। अरे कैसी कैसी बहुएं आजकल की, बारिश में भीगने ना दो तो इतने रख रहे, अरे कल को बीमार हो गई तो कौन लेगा जिम्मेदारी, और बाहर से अंदर कैसे आओगी, और आओगी तो क्या गीली होकर आओगी, पूरा घर गंदा करोगी अलग।
अरे आस पास के लोग देखेंगे तो क्या क्या बोलेंगे। कौन आस पास के लोग माँ जी? वो लोग, जरा बाहर तो देखिए। सास बाहर नजर दौड़ाती है तो ये क्या, आस पास की सारी औरतें बारिश में भीग रही थी। एक औरत की नजर वर्षा की सास पर पड़ती है और वो उनके पास आती है। अरे बहन जी बाहर आइए, देखिए कितना मजा आ रहा है। हम लोगों ने मिलकर चाय नाश्ते का इंतजाम भी किया है, बारिश से भीगने के बाद गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो घर का और शरीर का हाल होगा उसका क्या? अरे ना ना, ये फालतू के शौक नहीं है हम लोगों के। बहू, सास दरवाजा बंद कर लेती है। अब तो बहू को तो समझो देवी ही चढ़ जाती है। वो सोच लेती है कि वो घर का कोई काम नहीं करेगी, किसी से बात भी नहीं करेगी। अरे जिस घर में मर्जी से बारिश में भीग भी नहीं सकते, उस घर के लिए इतनी कुर्बानी क्यों दे भला? ना जी ना, अब तो मैं कोई नहीं काम करूंगी। रात में पति आता है। भूख लग रही है, खाना क्या है? ये मेरा जो मुंह फूला हुआ है ना, यही है आज खाने में, कुछ नहीं बनाऊंगी। एक तो पानी में भीगने नहीं देते, ऊपर से डिमांड तो ऐसे जैसे मैं यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही हूँ। अरे क्या क्या बोली जा रही हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल सुबह तक का वक्त है, बारिश के पानी में नहाने की इजाजत माँ से दिलाई नहीं तो देख लेना। अगली सुबह पति एक लाल रंग के पेन से बीवी के शरीर में गोले बना देता है और कान में कुछ कहता है। बीवी खुश हो जाती है। अरे बहू ये पूरे शरीर में क्या हो गया? पता नहीं माँ जी, सुबह उठी तो सारे दाने ही दाने। पता नहीं क्या हो गया मुझे, कैसे ठीक होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। माँ दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है बेटा, वो भी साधु के भेष में। बहू भाग कर जाती है। आइए आइए महाराज, महाराज देखिए ना ये क्या हो गया मेरे शरीर में। माँ जी ये ना बहुत ज्ञानी महाराज है, मेरे मायके की तरफ से है, मेरी माँ ने भेजा है इनको। हैं? देखे देखे से लग रहे हैं ये महाराज तुम्हारे। बेटा जो कि साधु के भेष में था। जरूर जरूर देखा होगा, आस्था से लेकर संस्कार तक के चैनल में लाइव रहते हैं हम सुबह से, तो वही देखा होगा। वैसे ये बीमारी बड़ी विकराल है बहू। हैं? क्या हो गया मेरे बहू को महाराज, और कैसे ठीक होगा? आप तो बस उपाय और पैसे बता दीजिए। मतलब माँ जी, बहू को तेज बारिश का पानी पूरे शरीर में लगेगा तभी ये बीमारी जाएगी। इसे बारिश में भीगने को कहिए, उसी पानी में ताकत होती है पूरी बीमारी को जड़ से मिटाने की। तभी बादल गरजते हैं। जा बहू जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब भीग ले पानी में। बहू सास की तरफ देखती है। हाँ हाँ जा ना, मेरी तरफ क्या देख रही है, जा जाकर बारिश में भीग ले अच्छे से। बस अब तो पत्नी के मजे हो जाते हैं और पति भी खुश। बारिश के पानी से पूरा रंग घुल जाता है, सास भी खुश।